चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये धरना कश्यप समाज के द्वारा ग्राम अलीपुर अटेरना में धर्मशाला की मांग को लेकर रखा गया है। अगर आज कश्यप समाज की भारतीय जनता पार्टी को लगभग 99% वोट दे रहा है तो कश्यप समाज को उनका हक अधिकार, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हम लोगों की मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, अन्यथा कश्यप समाज आने वाले 2024 में तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। प्रशासन की वो हो रही ढिलाई, प्रशासन जिस दिन चाहेगा उन पर दाब गिरेंगे लोग बाग, उस दिन हमारा भी काम हो जाएगा। अब जड्डे पाड़े में पड़े हैं रात दिन। ये धरना कश्यप समाज के द्वारा ग्राम अलीपुर अटेरना में धर्मशाला की मांग को लेकर रखा गया है, जिसके लिए पिछले अगस्त माह से लगातार कश्यप समाज तहसील बुढ़ाना के चक्कर काट काट कर अधिकारियों द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन के आधार पर अपना मन को शांत करता रहा। लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो यह समाज इस खुले आसमान के नीचे और बहुत ही निम्न तापमान के अंतर्गत, बहुत सर्दी के इस मौसम में धरना स्थल पर अनिश्चितकाल के लिए लगभग 14 दिन से बैठा हुआ है। गांव में बहुत सारे समाज साथ में मिलके रहते हैं जी, तो जी, जी, कश्यप समाज जो है, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था गांव में अभी तक क्यों नहीं है आपके, एक तरह से अगर देखा जाए? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब समाज में जागरूकता आती है तो तभी वो किसी निर्णय को लेने की सोचता है। समाज में जागरूकता आई, समाज को लगा कि एक सार्वजनिक धर्मशाला जैसे सभी समाज की है, ऐसे ही हमारे समाज की भी होनी चाहिए। तो संवैधानिक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से अभी तक ये समाज जो है इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपनी मांग को रखे हुए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। देश आज़ाद होने के बाद भी आज तक भी हमारे गांव में कोई सामाजिक कार्य है तो, धार्मिक कार्य है तो, कोई भी धर्मशाला ऐसी नहीं है जो सर्व समाज के लिए हो सके, जहां गरीब समाज अपनी बहन बेटियों की बरात से टिका सके। मतलब ग्राम समाज में ऐसी कोई जगह ही नहीं है ना धर्मशाला का निर्माण हुआ है। जब से देश आज़ाद हुआ तो हमने, जब से हमारे बाप दादाओं ने आज तक जितने भी वोट देने का काम किया, तमाम पार्टियों ने हमारे लोगों का वोट लेने का काम किया, पर गाँव के अंदर हम लोगों को ये धर्मशाला नहीं दे पा रहे। आज हम जो है लगभग 7 महीने से लगातार तहसील परिसर के SDM साहब, तहसीलदार साहब के चक्कर काट रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए धर्मशाला, हम लोगों को मिलनी चाहिए। आज 14 दिन हो चुके हैं धरने को, आज तक हमारे पास कोई भी सत्ता पक्ष में, विपक्ष में तो लोग आ रहे हैं, सत्ता पक्ष में कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं आया कि ये कश्यप समाज किस मांगों पर बैठा है। ये हमारे घर की मांग नहीं है, ये समाज की मांग है, दबे कुचले शोषित वंचितों की मांग है। क्योंकि आज तक हमारे गाँव के अंदर लगभग 5,000 की आबादी है, तो 5,000 की आबादी में कश्यप समाज सबसे ज़्यादा है। अगर आज कश्यप समाज की भारतीय जनता पार्टी को लगभग 99% वोट दे रहा है तो कश्यप समाज को उनका हक अधिकार, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन क्षेत्रीय कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में है, जो हम लोगों को यहाँ बेबस कर रहा है बैठने के लिए। आज जितने जैसे पुराने समय में भूमाफिया थे, जैसे अब करते थे, आज हमारे उसी में कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम अधिकारियों को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हम लोगों की मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, अन्यथा कश्यप समाज आने वाले 2024 में तो मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। भाई, हमारी समाज के साथ तो अन्याय होता है हमें। हम मुक्ति में ही भाजपा को वोट देते आए, या सर कांग्रेस को भी वोट देते आए, सपा को भी, हम किसी का नाम लेते हैं, हमें तो मुक्ति में ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं इस्तेमाल। लेकिन सामाजिक ताने बाने में ऐसी व्यवस्था क्यों है अभी तक, समाज तक ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुँच पा रही, कहाँ कमी आपको नजर आती? कमी जो है हमारी एकजुटता नहीं है जी, हमारी एकजुटता नहीं है। हम जिस दिन हमारी एकजुटता हो जाएगी हमें बोलने लगी। तो आगे क्या रास्ता आपको नजर आ रहा, 14 दिन हो गए धरना चलते हुए? मैं 14 तो प्रशासन की वो हो रही ढिलाई, प्रशासन जिस दिन चाहेगा उन पर दाब गिरेंगे लोग बाग, उस दिन हमारा भी काम हो जाएगा। अब जड्डे पाड़े में पड़े हैं सिख रात दिन। तो दिक्कत है किस तरह की होती है, सर्दी है जैसे आप बैठे हो, रात में भी रुकते हैं या कैसे क्या करते हैं? बस अपना कम्बल जो बैठे हैं जी, और कुछ नहीं, पुनः कहा था भाई, रात को भी यही रहना, रात को भी यही रहना।
दिन में भी रहना। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और एक इस क्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक होता है कश्यप समाज का, अगर इस तरह की सामाजिक दिक्कतें हैं तो फिर आप कैसे देख रहे हैं आगे चुनाव में? आगे तो ये देख रहे हैं हमारी समस्या का समाधान होता, भाजपा गैर लगेगा नहीं, कुछ भी लगने का हम